हेलो, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जितने लोग मुझसे जुड़े हैं यहाँ, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत आशीष मिले। और आज इस लाइव सेशन में हमें प्रभु इस्तेमाल करें कि कुछ नई बातों को हम लेकर आएँ, एक खास सवाल को लेकर आएँ। जो सवाल आज आपके और मेरे सबके दिलों में उठता है बार बार, वो सवाल है कि क्या परमेश्वर बात करता है? क्या हम परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं? क्या आज भी हम उससे बातचीत कर सकते हैं या नहीं? परमेश्वर हमसे बात करता है या नहीं? इसी विषय पर हम बात करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब और बहुत सारी गवाहियों के साथ मैं आज आपके सामने हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ब्रदर प्रवीण, पास्टर अकील, उमेश भाई, आप सबका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद है कि उसने हमें ये मौका दिया इस सवाल को जानने के लिए। और लोग कहते हैं कि भाई, हमने प्रचारकों को, पास्टर्स को तो बहुत सुना है, लेकिन क्या साक्षात परमेश्वर या यीशु मसीह को हम सुन सकते हैं या नहीं? अपने कानों से सुन सकते हैं या नहीं? प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर, आपका दर्श देख रहे हैं, स्वागत है आपका आज के लाइव सेशन में। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं उसी सवाल को, उसी जवाब को आपको बताने के लिए आ जाई हूँ। क्या सवाल है, क्या जवाब है? क्या परमेश्वर आज भी बात करता है, हाँ या नहीं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर बात करता था उस समय, बाइबल के ज़माने में, किताबी बातें हैं, आज नहीं करता। कुछ कहते हैं कि बात करता है प्रभु, लेकिन किसी विशेष लोगों से बात करता है, हमसे बात नहीं करता। लेकिन मैं जवाब जो दूंगी, वो वचन में से ही जवाब दूंगी। आपकी बुद्धि और हमारी बुद्धि सीमित बुद्धि है, एक इंसानी बुद्धि है, लेकिन जो वचन जो है हमारा, बाइबल जो है, कलाम जो हमारे पास है, वो एक सुपर नेचुरल पावर वाला वचन है, जो हर एक बात का जवाब हमें देता है। तो हम बिल्कुल जानते हैं कि कलाम में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर मनोज साहू, धन्यवाद आपका इस मौके के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो प्रभु आज हमसे बात करता है या नहीं, इस बारे में मैं बात करूँगी। और बहुत सारे लोग तो कहते हैं परमेश्वर बहुत दूर की चीज़ है, दिखाई नहीं दे सकता, सुनाई नहीं दे सकता, प्रार्थना बस करते रहते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता। लेकिन वचन क्या बताता है? परमेश्वर हमारे निकट का परमेश्वर है, हमारे दिल के नज़दीक रहने वाला परमेश्वर है। और ये तो हम बहुत बार सुनते हैं कि प्रभु सुनता है हमारी बात, लेकिन जब प्रभु बोलता है तो आप और हम सुनते हैं या नहीं? इस बारे में मैं बात करूंगी कि हम परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुन सकते हैं। अपनी बातचीत, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ इस समय, आमने सामने, जैसे हम इंसान बात कर रहे हैं, क्या हम प्रत्यक्ष खुदा से बातचीत कर सकते हैं या नहीं? वचन हमें क्या बताता है? तो मैं वचन में शुरू करूंगी बात, कि खुदा बात करता है या नहीं। तो कलाम हमें बताता है कि हाँ, परमेश्वर बात करता था इंसान से, आज भी बात करता है इंसान से, और हमेशा भी बात करेगा इंसान से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की मोहब्बत, उसका प्यार हमारे लिए बेइंतहा है, अनकंडीशनल है। हम बात करें या ना करें, हम उसकी आज्ञाओं से हट जाएं या ना हट जाएं, लेकिन प्रभु बहुत प्यार से आपको और मुझे देखता है, हमसे बात करता है। कैसे हम अपने कानों को सुने, कैसे सुने हम उसकी आवाज़ को? मैं जानती हूँ कुछ लोगों को ये होगा एक्सपीरियंस, ये सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है, जो मनुष्य की बुद्धि से बाहर है। हम अपनी बुद्धि समझ से बोले तो कहेंगे नहीं हो सकता, लेकिन ये सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है, कुछ लोगों को होगा। वास्तव में अपने सुनी होगी तो मैं पूरा उसी डिटेल में जाऊँगी, किस प्रकार प्रभु की आवाज़ आती है, हम उसे कैसे पहचान सकते हैं, क्या कलाम हमें उसे बताता है, क्या सवाल आपके और मेरे दिल में आज के विषय में, पुरानी बातों के लिए नहीं, आज के, जब हम प्रभु में हैं, एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नई हो गई। जब सब नई हो गई, यस इट्स पॉसिबल ब्रदर, जब सब नई हो गई और हम सुनने लगते, मैं इसलिए इस विषय को बता रही हूँ आज युवाओं को, कि एक वक्त तक मैं भी सोचती थी कि किताब की बात, एक नॉलेज की बात, जब तक हम सोचते हैं बाइबल को, हिस्ट्री को, थियोलॉजी को पढ़ने की तरह, जब हम पढ़ते हैं किताब की तरह, तो अपने लॉजिक लगाते। लेकिन जब उसका आत्मा, प्रभु का पाक रूह, होली स्पिरिट, जब हमें सिखाता है, बताता है, पढ़ाता है, और जब हम उसे रिसीव करते हैं प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में, तो हमारे आत्मिक कान खोलता है परमेश्वर कैसे बात करता है, किन किन लोगों से बात की, उसी विषय पे गहराई में जाएंगे। अगर हम देखें बाइबल में, अय्यूब की किताब में,
अय्यूब की पुस्तक में देखें, उसके 33 चैप्टर में, 33 उसके अध्याय में और उसके 16वें वचन में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर एक बार नहीं पर दो बार बात करता है, स्वप्न में और दर्शनों में। यहाँ पर एक प्रकार बताया कि प्रभु स्वप्न में या दर्शन में कैसे बात करता है। डिटेल में मैं हर एक पॉइंट को अभी समझाऊंगी कैसे कैसे परमेश्वर बात किन किन प्रकार से करता है। यस यस ब्रदर, यू आर राइट। और हम देखते हैं बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत लंबी लाइन है जिनसे परमेश्वर ने बात की। तरीका अलग अलग था लेकिन बात की, कैसे कैसे बात की हम सब जानते हैं। तो पहली बात जो मैं बता रही थी कि दर्शन और स्वप्न से अय्यूब में लिखा है, तो हम देखते हैं जब बाइबल में, तो याकूब का बेटा यूसुफ था उसको ये वरदान था, दर्शन का वरदान। दर्शन भी कई प्रकार के हैं, उनको भी मैं बताऊँगी अभी। उसके अलावा मरियम को और यूसुफ को भी स्वप्न में प्रभु ने बात की कि जो परमेश्वर का पुत्र आएगा उसका नाम यीशु रखना, क्या होगा कैसा होगा ये सब बताया था, इनको स्वप्न में बातचीत की थी। क्योंकि इंसान है नहीं समझ सकते तो प्रभु को प्रकट होना पड़ता है। और सुलेमान से, यशायाह से, यहेजकेल, दानियल, पौलुस, पतरस, बहुत सारे लोगों से अलग अलग प्रकार से प्रभु ने बात की। लेकिन आप सवाल ये उठता है और आप कहेंगे वो उस समय की बात है, उस समय परमेश्वर ने बात की, बाइबल के ज़माने की बात है, मुझसे बात नहीं की, और फलाना तो कहता है उससे बात की लेकिन मुझसे बात नहीं की। लेकिन परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का प्यार सबके लिए है और बेइंतहा है, और प्रभु सबसे बात करता है जब हम उसके कानों को, अपने कानों को खोलते हैं उसकी आवाज़ सुनने के लिए। वचन क्या बताता है उसका, स्मॉल स्टिल वॉइस, धीमी मधुर आवाज़ में परमेश्वर बात करता है। और मैं इसलिए बता रही हूँ ये बात क्योंकि मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, और मुझे बहुत समय तक नहीं मालूम था आत्मा के वरदान के बारे में। जब मैं बहुत अपनी युवा अवस्था की बात बता रही हूँ, टीन एज की बात बता रही हूँ, तो जब प्रभु बात करता है तो वो बहुत ही ऑडिबल वॉइस में बात करता है परमेश्वर। लेकिन हम क्या सोचते हैं, इंसान क्या सोचता है, उन्होंने अलग अलग नाम दे दिए। हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है, हमारा सिक्स सेंस है, ये हमारे सिक्स सेंस से हमको पता चल रहा है। लेकिन परमेश्वर जो है वो बिल्कुल आमने सामने इतनी व्यक्तिगत बात करता है, इंसान जैसे इंसान से बात करता है। और बहुत सारे एक्सपीरियंस और बहुत सारी गवाहियाँ मेरे पास हैं, लेकिन अभी मैं वचन में से पहले बताऊंगी, उसके बाद हम गवाहियों की बात पर जाएंगे। यस, प्रभु वही है परमेश्वर आज कल और युगानुयुग एक साथ। तो जो लोग कहते हैं कि ये बाइबल की बात है, उस समय की बात है, उनको मैं बताना चाहूँगी कि उस वक्त में और आज के वक्त में क्या फ़र्क है। जब हम वचन में पढ़ते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, तो क्या था उसको देखा हमने शमूएल के वक्त में, पहला शमूएल और उसका 3 अध्याय और उसका पहला वचन, उसमें क्या लिखा है। शमूएल को जब वरदान हुआ, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और आवाज़ आई, ऑडिबल आवाज़ में प्रभु ने उससे बात की, उसको आवाज़ दी, उसका नाम बोला, लेकिन शमूएल को समझ में नहीं आया। एक नंबर क्योंकि वो बच्चा था, और दूसरा जो वचन कहता है, पहला शमूएल उसका 3 अध्याय और 1 आयत में लिखा है, उस समय दर्शन कम मिलता था। जो आप और हम सवाल कह रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, ब्रदर मोसेस आपका स्वागत है इस लाइव सेशन में, प्रभु आपको आशीष दे। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि उस समय की बात है, थियोलॉजी की बात है, हिस्ट्री की बात है, उस समय हुआ करता था, लेकिन बाइबल कह रहा है उस समय तो दर्शन कम मिलता था। और आज के लिए क्या कहा है, 2 बाइबल में, योएल की पुस्तक में भी और प्रेरितों के काम की पुस्तक में भी। प्रेरितों के काम में पतरस ने वही बात कोट की है जो पहले योएल नबी ने भी की थी। वो क्या बात थी, बड़ी मनपसंद आया थे, बहुत मेरे दिल के नज़दीक है, वो ये है, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा बहुतायत से ऊंधेलूँगा, बहुतायत से, युवा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियाँ करेंगे, दास दासियों पर भी ऊंधेलूँगा अपना आत्मा, और वो भी दर्शन देखेंगे। दर्शन का वरदान युवाओं को बहुतायत से दूंगा, ये परमेश्वर का वायदा है। आपके और मेरे सवाल से बिल्कुल विपरीत जवाब, जो हम कहते हैं उस समय की बात थी तो सब कुछ होता था, लेकिन आज ये सब कुछ नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड सोनिया, प्रभु आशीष दे तुम्हें। तो आज ये हमें वचन साफ साफ बात बता रहा है कि शमूएल के समय में दर्शन कम मिलते थे, वो बाइबल में लिखी बात है, लेकिन अंत के दिनों में यानी जिस समय हमें अपना आत्मा बहुतायत से ऊंधेलूंगा,
युवा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियाँ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड दीपिका सिस्टर, सुनीता सिस्टर। यानी कि आपके और मेरे लिए प्रभु ने वो वायदा दिया है जो उस समय नहीं था। सैमुएल को मिला, कुछ को मिला, चुने हुए लोगों को मिलता था। दर्शन का वरदान बहुत दुर्लभ था। तो परमेश्वर ने जब सैमुएल से बात की, सैमुएल सैमुएल, और सैमुएल नहीं समझा उस ऑडिबल वॉइस को कि कौन बोल रहा है। आपके और मेरे तरह उसने सोचा कोई इंसान मुझे पुकार रहा है। अब अपने स्वामी को सोचने लगा, ये मुझे पुकार रहा है। लेकिन वो वरदान उस समय कम था, इसलिए वो नहीं पहचाना। लेकिन आज ये वरदान बहुत आयत से है आपके और मेरे लिए, और फिर भी हम नहीं पहचान रहे, फिर भी हम नहीं सुन रहे उसकी आवाज़ को। और बहुत सारे नाम दे देते हैं। जब प्रभु आपसे बात करता है, ऑडिबल वॉइस में बात करता है, दर्शन में भी बात करता है। मैं बताऊँगी कितने प्रकार से प्रभु बात करता है, और जब हम बात करना चाहें तो हम कैसे तैयार करें अपने आप को। जब हम आमने सामने, जैसे हम व्यक्तिगत रीति से हम आपस में बात करें, परमेश्वर से भी हम बात कर सकते हैं। सवाल और जवाब, वो जवाब दे तो आप सवाल करें, और आप सवाल करें तो वो जवाब दे, ही पॉसिबल है। प्रभु का वचन कहता है कि ये संभव है, ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? आप कैसे सुने उसकी आवाज़ को, क्या क्या वो बातें हैं, उन पर गौर करेंगे। पहली बात है कि जब परमेश्वर आपसे बात करता है किसी भी प्रकार से, मैं बताऊंगी अभी किन किन प्रकार से प्रभु आपसे बात करेगा और करता होगा, लेकिन हम उसको अज्ञानता में सोच रहे हैं कि नहीं, प्रभु बहुत दूर है, मेरी सुनता नहीं है, मैं तो इतना प्रार्थना करती हूँ, करता हूँ, इतना उपवास रखता हूँ, प्रभु जवाब ही नहीं दे रहा, चुप है, पता नहीं कहाँ है, परमेश्वर है कि नहीं है। लेकिन वचन क्या कह रहा है? वो बात कर रहा है। हम अपने आत्मिक कानों को जब खोलें तो वो बात कर रहा है, और अपने उचित समय पर वो जवाब देता है। तो मैं उसी बात को आगे बताऊंगी। अगर परमेश्वर आपसे कोई बात कर रहा है जिसको आप समझ रहे हैं, इंसानी लॉजिक से हम समझ रहे हैं मेरा सिक्स सेंस है, बाय चांस ऐसा हो गया, हम कहते हैं बाय चांस हुआ कि मैंने ये हो गया, मेरे मन में ये आई कि मैंने ऐसा कर दिया, या ये मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है, या ये मेरा इमेजिनेशन है। प्रभु के डायरेक्ट वचन को, कॉलिंग को कई बार हम नहीं समझ पाते और उसको इमेजिनेशन समझ लेते हैं, जबकि वो परमेश्वर की डायरेक्ट बातचीत आपसे होती है। कैसे उसको पहचाने? बाइबल में किस किस प्रकार की बातचीत की बात है वो मैं उस बताऊंगी अभी। कि एक तो बात है कि हर बात अगर परमेश्वर की तरफ से आपके लिए आई है तो उसका एक विशेष मकसद होता है, विशेष उद्देश्य होता है। बहुत दुर्भाग्य आज हमारा है कि अगर हम मसीही लोग तो हैं और पुश्तों से हम सारे रिवाज तो फॉलो करते हैं, चर्च जाना, दान दशमांश, गीत गाना, आराधना, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन पर्सनल अगर हमने प्रभु से बातचीत नहीं की, पर्सनल हमने उसकी सुनी नहीं, हमारी उसने सुनी नहीं, हमें सवाल और जवाब कॉरेस्पॉन्डेंस बातचीत नहीं हो रही है अगर, तो बहुत ही दुखद बात है कि हम चेक करें अपने आप को। क्यों? क्या मसीह हैं और मसीह से बात ही नहीं करते? हम लोग बोलते हैं कि प्रार्थना क्या है, प्रेयर करना क्या है, परमेश्वर से बातचीत करना प्रेयर है, ये तो हम मानते हैं। लेकिन हम अपनी अपनी प्रेयर तो बोल देते हैं, अपनी अपनी प्रेयर बोल दी, लेकिन उसकी तरफ से क्या सुनाई दे रहा, वो भी सुना आपने कि नहीं सुना? परमेश्वर बहुत सारी बातों के लिए हमें बताता है, और हमारे हर सवाल का जवाब, हर बात का जवाब प्रभु देता है। कैसे देता है मैं बताऊँगी आगे बात, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि कई बार हर सपने परमेश्वर की तरफ से नहीं होते। कुछ बातें वास्तव में, हम इंसान हैं तो हम ड्रीम्स देखते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं वो सोएंगे तो टॉयज़ के, चॉकलेट्स के, आपसी बच्चों की लड़ाई झगड़े के ड्रीम्स, वो इंसानी बातें जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड देखता है, वो ड्रीम्स भी हम देखते हैं इंसानी बुद्धि के। लेकिन जब परमेश्वर की तरफ से कोई ड्रीम होता है, विजन होता है, या प्रभु की तरफ से संदेश होता है, बातचीत होता है, तो वो उसको कन्फर्म करता है। परमेश्वर बार बार कन्फर्म करता है, एक बार नहीं, बार बार। जब मैं सोचने लगूं कि ये ऐसा मैंने देखा, ऐसा मैंने सुना, सच में है या मैंने ऐसे मेरे दिमाग में आ गई इमेजिनेशन है, सच में ऐसा हुआ है क्या, तो परमेश्वर से जब आप पूछते हैं वो उसको एक बार नहीं, बार 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 कन्फर्म करता है। आप आजमा के देखेंगे, अब देखा होगा बहुत लोगों ने, मैंने भी देखा है अपने जीवन में अनुभव, इसीलिए मैं बता रही हूँ, इतना मैं कन्फर्म होके बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरा निजी अनुभव है कि मैंने बहुत नज़दीक से प्रभु को बाद में जाना कि वो कितना नज़दीक का परमेश्वर है, दूर का नहीं है। तो हम और लोगों से ये बातें जब करते हैं तो बाकी लोग उसको मूर्खता की बात समझते हैं,
दर्शनों की बात को, प्रभु से बातचीत की बात को। आज भी हम ये जो बात कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए मूर्खता की बात है। क्रूस की कथा, बाइबल की बातें, यीशु मसीह की बातें, रूहानी बातें, सब बातें संसार के लिए मूर्खता की बातें हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है हम देखेंगे। अगर पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 19वें वचन में उसमें ये लिखा है कि मनुष्य की बुद्धि परमेश्वर मूर्खता मानता है। आप सोच रहे हैं कि ये बातें मूर्खता की बातें, लेकिन हमारी जो बुद्धि है, सीमित बुद्धि, वो परमेश्वर के सामने मूर्खता की बात है। क्योंकि उसकी और आपकी बुद्धि में, सोच और विचार में जमीन और आसमान का फर्क है, परमेश्वर और आपके विचारों में। लेकिन अगर हम उसकी बात सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं बताऊंगी प्रभु कितनी तरह से बातें करता है। जब आप सुनना चाहें परमेश्वर की बात, उससे बातचीत करना चाहें, न केवल सुनना चाहें, अगर आप देखना भी चाहें, मैं बताती हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल मैं इस बात से 100% आपसे बिल्कुल दावा करती हूँ कि अगर आप चाहें तो आप प्रभु को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। बहुत नज़दीक का परमेश्वर है, आपके नज़दीक रहने वाला, मेरे नज़दीक रहने वाला परमेश्वर है। सारे रास्ते जो आसान बना चुका है, काम पूरा कर चुका है, दाम पूरा चुका चुका है, सब कुछ कर चुका है। आप चाहते हैं परमेश्वर से बातचीत करना, तो मेरे पास बहुत सारी गवाही है। अभी रिसेंटली एक भाई की गवाही थी, कल ही टेलीकास्ट हुई थी, तो उसमें आप देखें कि वो जन्म से पूछ रहा कौन परमेश्वर है, नहीं जानता यीशु मसीह को, बाइबल को, क्रिश्चियनिटी को, नथिंग, कुछ भी नहीं। सीधे प्यास थी परमेश्वर कौन है, कौन है, कौन है, कौन है। अब बाद में परमेश्वर ने उससे बात की, उसने उसको देखा भी, सुना भी, जाना भी, चखा भी। और वो जब प्यार, जब वो हमने चख लिया, जिसने चख लिया, जिसने सुन लिया, जिसने देख लिया, वो चुप नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकते हम चुप, क्योंकि वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जब हम प्रभु की आवाज़ सुन ली, ऑडिबल आवाज़, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं ऐसे ही आवाज़, बिल्कुल वो कोई स्वप्न वाली आवाज़ नहीं, सचमुच जीवित आवाज़ प्रभु की आप सुन सकते हैं। कैसे सुन सकते हैं उसी में आगे मैं बढ़ूँगी। बहुत ही दुखद बात है, आज हम में कमी है कि हम उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे। पास्टर की आवाज़ सुनते हैं, प्रॉफिट्स दुनिया भर के हमने बना लिए, उनकी आवाज़ सुनते हैं। और ऐसा नहीं कि हर प्रॉफिट खराब है, बाइबल बताती है इस विषय में कि हमें सावधान रहना है कि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। लेकिन ये बात नहीं है कि हर भविष्यवक्ता झूठा है। प्रभु के वरदान है, उसमें एक वरदान है भविष्यवाणी का वरदान, प्रोफेसी का वरदान, जब परमेश्वर हमें कुछ आगामी बात पहले से बता देता है। और मैं बता रही हूँ, बहुत ही मैं इन अनुभव से गुजर के ये बता रही हूँ कि जब हम अपने दर्शनों की अगर बात करते हैं तो हम सबसे बड़े मूर्ख समझा जाता है हमको, या फिर सोचते झूठ बोल रहा, झूठी कहानी, डींग मार रहा है। हर विजन झूठ नहीं, हर बात झूठ नहीं। परमेश्वर ने अगर आपसे कोई बात की है तो वो परमेश्वर की योग्यता, हमारी योग्यता थोड़े ना, हम तो सब अयोग्य लोग हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम कैसा है कि वो किससे क्या काम ले, किससे चुनवाए, मैं बताती हूँ बार बार। परमेश्वर कहता है कि वो गधी से भी बुलवाता है तो गधा भी बोलने लगता है, पत्थर भी जय जयकार करने लगेंगे, ऐसा लिखा वचन में। सब कुछ संभव है। तो अगर परमेश्वर ने किसी को प्रोफेसी का वरदान दिया, या दर्शन का वरदान दिया, या वो सुन सकता है उसकी आवाज़, या देख सकता है, वो पूरी तरह परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का ग्रेस है, उसमें हमारी कोई भी योग्यता नहीं। तो परमेश्वर ये तो जरूर कहता है वचन कि हम झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहें। और यर्मिया में 14:14 में बार बार बताता है कि ये लोग अपनी मनगढ़ंत बातें बोलते हैं, मैंने इनको नहीं दिया दर्शन, ये मेरी बात नहीं बोल रहे, ये मैंने नहीं कहा इनसे, अपने मन के अनुसार ये बातें बोल रहे हैं। सच है ये, यर्मिया में बताता है ऐसे झूठे भविष्यवक्ता जो अपने मन के अनुसार कहानियाँ गड़गड़ के बताने लगते हैं कि ऐसा परमेश्वर ने मुझसे कहा, ऐसा परमेश्वर ने मुझसे कहा। तो हमें चौकस रहना है उस बात से। लेकिन परमेश्वर अगर किसी व्यक्ति से कह सकता है तो वो आपसे, मुझसे, किसी से भी कह सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति उसके लिए बेशकीमती है। आप, मैं और जितना भी बड़ा प्रॉफिट क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए सब बच्चे एक समान हैं। जितना प्रेम उनसे है उतना ही प्रेम आपसे भी है। आप सोच रहे मैं अयोग्य हूँ, पापी हूँ, घृणित हूँ, मैं, मुझे कहाँ से सुनाई देगी परमेश्वर की आवाज़। लेकिन वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है जब आप अपने कानों को खोलेंगे, और उसको बहुत प्रेम से वो आपका नाम लेके बुलाने वाला परमेश्वर है।
आज अभी इसी वक्त भी आप सुन सकते हैं। इसके बाद अगर आप प्रार्थना में जाएं और सुने तो परमेश्वर की बात न केवल आप सुन सकते हैं बल्कि वो अपने स्वर्गीय दर्शनों को भी दिखाएगा। ऐसे ही मैं कुछ घटनाएं और कुछ गवाहियों के साथ कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि प्रभु आज हमसे हर किसी से अलग अलग प्रकार से बात करता है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी से दर्शनों में बात करें, हर किसी से ऑडिबल वॉइस में बात करें। किस किस प्रकार बात करता है प्रभु? अपने अपने अपॉइंटेड टाइम में, अपने तरीके से। टाइम भी परमेश्वर का, योजना भी परमेश्वर की, तरीका भी परमेश्वर का कि वो किस प्रकार से प्रकट करे अपनी बात को हमारे ऊपर। पहली बात है वचन के द्वारा। सबसे आसान सी बात जो आप लोगों से, बहुत लोगों से हमसे बात किया होगा, कई बार वचन हमसे बात करता है। देखा होगा आपने, जब भी हम निराशा में पड़ जाते हैं, बीमारी में पड़ जाते हैं, कोई परेशानी में पड़ जाते हैं, वही वचन हमारे सामने आता है और हमारे दिल से बात करता है, वास्तव में दिल को छूता है। मैंने एक बच्चे को देखा था, उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई थी, भाग गई थी उसकी माँ अपने प्रेमी के साथ, बच्चों को छोड़ के, तीन तीन बच्चों को छोड़ के, पति को छोड़ के, घर गृहस्थी को छोड़ के भाग गई। बच्चे बहुत छोटे थे, मैं भी छोटी थी उस समय, मेरे साथ के ही लोग थे, तो मैंने उसकी पीड़ा को देखी और तब मैंने देखा कि उसमें बाइबल का एक वचन था, माँ तो तुझे छोड़ सकती है, दूध पूहे पीने वाले बच्चे को छोड़ सकती है और भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। जैसे माता संभालती है वैसे संभालने वाला परमेश्वर। और उस बच्चे के दिल को ये बात छू गई, ऐसी छुई मैं आपको बता नहीं सकती कि सिर्फ एक वचन ने ऐसा काम किया उसके जीवन में कि उसका जीवन ही बदल गया, जीवन ही बदल गया। क्या से क्या हो गया? उसके बाद यीशु मसीह उसकी माँ, यीशु मसीह उसका पिता, वही उसका भाई बहन, वही उसका परिवार, वही उसका स्वर्गीय पिता, सब कुछ परमेश्वर हो गया। एक वचन ने ऐसा काम किया, बात की उससे। ये सच्ची गवाही, मैं कोई भी मनगढ़ंत कहानी में नहीं बता रही हूँ। जितनी बात बताऊँगी मैं किस प्रकार से लोगों से बात की, सब कुछ सच्ची गवाही। दूसरी बात है परमेश्वर का आत्मा। कई बार ऐसा होता है कि आपसे और हमसे आत्मा बात करता है, पवित्र आत्मा। और बहुत लोग जो नहीं जानते उनके लिए बहुत बेवकूफ़ी की बात हो सकती है। जब मैं भी आत्मिक बातें करती थी तो मुझे भी लोग कहते थे, मेरे साथ के युवा लोग कहते थे, बेवकूफ़ी की बातें मत करो हमसे, पागलपनी की बातें मत करो, मूर्खता की बातें मत करो, इसी दुनिया की बात करो, लॉजिक की बात करो। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो आपके लॉजिक काम नहीं करते, क्योंकि प्रभु का आत्मा आपको फ्यूचर की भी बात बता रहा है, पास्ट की भी बात बता रहा है, इम्पॉसिबल बात बता रहा है। आप बैठे हुए हो यहाँ इंडिया में और आपको कहीं और का दर्शन दिखा रहा है, एग्जैक्ट सब कुछ चीज़ दिखा रहा है, तो कैसे हमारे लॉजिक की बात है? जिसने चख लिया, जिसने जान लिया, जिसने देख लिया और सुन लिया, वो कैसे चुप रहेगा? वो बोलेगा मैंने देखा है, मुझे प्रभु ने बताया है, मुझे प्रभु ने बताया। तो प्रभु का आत्मा काम करता है। मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत बुज़ुर्ग पास्टर थे और बहुत ही सिंपल और बहुत ही हम्बल, और वो कोई बहुत बड़े महान ऐसे प्रचारक नहीं थे कि जिनके बहुत फॉलोवर्स हों। पुराने टाइम की बात बता रही हूँ, ना फेसबुक और मीडिया ऐसा होता था कि हम एक बोलें तो फॉलोवर हो जाए हमारे, कुछ भी नहीं। लेकिन आत्मा का अभिषेक इतना था उनके ऊपर, इतना था। व्यक्तिगत रीति से मैंने इनकी गवाही को आज तक सुना है और सुन रही हूँ, इतना था उनके ऊपर कि उनको आत्मा की बहुत ऑडिबल वॉइस में, स्पिरिट से, कलाम से नहीं, स्पिरिट से पता चलता था। बात करती थी आत्मा उनको, पवित्र आत्मा। और ये मैं कोई अनबिब्लिकल बात नहीं है कि बाइबल के मुताबिक नहीं है, बाइबल हमें बता रही है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं अपना आत्मा तुम्हें दिया जाता हूँ, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और जब तुम भ्रमित होने लगो तो आत्मा कान में तुम्हारे को बताएगी, मार्ग यही है, इस पर चलो। यही उनके साथ होता था, उनको एग्जैक्ट पता होता था, वहाँ जाना है, उस फलाने को ऐसा नाम होगा, उसको इस चीज़ की ज़रूरत है, इतने पैसे की ज़रूरत है, इतने अमाउंट की, एग्जैक्ट इतना अमाउंट, उस जगह घर है, वो नाम है, ये सब उनको पता होता था। और वो जाते थे, हिम्मत ऐसी थी, सोचते नहीं थे मैं अनजान घर जा रहा हूँ, मुझे बेवकूफ़ कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, क्या कहेंगे, कहने दो, क्योंकि जिसने चख लिया,
जिसने चख लिया उस स्वाद को, जिसने जान ली उस आत्मिक सच्चाई को, फिर वो दुनिया के लिए बहरे बन जाते हम लोग। वो जाते थे, खटखटाते थे दरवाज़ा और कहते थे प्रभु ने मुझे भेजा है इस नाम के व्यक्ति को इतना पैसा देने के लिए। बहुत छोटे अमाउंट होते थे उस टाइम, वो खुद भी बहुत धनवान नहीं थे वो पास्टर, लेकिन मैं बता रही हूँ प्रभु के ऐसे जन थे, इतनी सच्चाई, इतना आत्मा का अभिषेक कि आप और मैं इस ज़माने में आप यकीन भी नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। आज भी वो लोग, पुराने लोग वो गवाहियाँ अभी तक बताते हैं, अभी तक। मैं व्यक्तिगत जानती हूँ इन लोगों को, व्यक्तिगत रीति से जानती हूँ कि किस प्रकार प्रभु का आत्मा उन्हें बताता था। ऐसी ही एक और गवाही भी ऐसी है कि एक लड़का था और वो वचन सुनता था कि वचन में लोग कहते थे कि परमेश्वर बात करता है, आवाज़ सुनो, सैमुएल को आवाज़ सुनाई दी। तो वो सोचता था ये सब किताबी बातें, ऐसा कैसे बात करता है परमेश्वर, मैंने तो कभी नहीं सुना। एक दिन उसने, ये भी सच्ची गवाही मैं बता रही हूँ, एक दिन वो ड्राइव करते करते कार ड्राइव कर रहा था और उसने कहा कि प्रभु आप बात करते हो तो मुझसे भी बात करो, कुछ तो बात करो, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा तो नहीं हूँ, गुनहगार हूँ, लेकिन बात आप करते हो तो मुझसे भी बात करो। तो उसको परमेश्वर का आत्मा बोला, धीमी वॉइस में बोला, समझ में आ रहा था उसको प्रभु बात कर रहा है। उसने बोला कि यहाँ पर रुक कर यहाँ से इतना दूध खरीदना है, और वो सोचने लगा ये मेरी इमेजिनेशन है, ऐसा कैसे प्रभु बात करेगा कि पहली बार मुझे बात कर रहा है, दूध खरीदने की बात कर रहा है, ये कोई बात हुई प्रभु, बात होनी चाहिए कोई भारी भारी भरकम कि परमेश्वर दर्शन दे और कुछ सुपर नेचुरल मेडिकल की बात हो, ये बात समझते हैं लोग। लेकिन उस लड़के से, युवा लड़के से प्रभु ने सीधी सादी बात की कि यहाँ गाड़ी रुको और यहाँ से इतना दूध खरीदो। उसने सोचा चलो अगर ऐसा है तो कौन सी बड़ी बात है, उसने कार रोकी, दूध खरीद लिया, चलाने लगा गाड़ी, फिर हुआ आवाज़, परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं ये बता रही हूँ सच्ची गवाही में से, और यहीं पे रोको। वो बंदा रोका गाड़ी और उन्होंने, उस आवाज़ ने उसको एक घर बताया कि तुम इस घर में यहाँ पर जाओ और यहाँ पर जाके दूध दे के आओ। वैसे ही कहानी बिल्कुल जैसे मैं उन पास्टर की बता रही हूँ, उन पास्टर की मैं बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, लगभग 3 पीढ़ी पहले की बात बता रही हूँ, लेकिन इस लड़के की अब की बात बता रही हूँ, इसी जनरेशन की। तो ये लड़का गया दूध लेके, उसने कहा भाई पता नहीं क्या होने जा रहा है, लेकिन मैं तो सोच रहा था प्रभु बात करेगा तो कुछ चमत्कारी बात होगी, बात होगी, कोई प्रोफेसी की बात होगी, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, दूध लेके जाओ घर में जाओ। तो लड़के ने कहा ठीक है, वो गया और खटखटाया दरवाज़ा, अंदर से एक आदमी निकला, उसके आदमी ने हैरान होकर पूछा कौन हो तुम, तो उसने बोला मैं ये हूँ और ये मुझे ये दूध देना है, बस इतनी बात उसने बोली। वो आदमी रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, उस अपनी वाइफ को बुलाया, छोटा बच्चा था घर में, रोने लगे, प्रभु का धन्यवाद करने लगे। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं, गरीबी में थे और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो बच्चे को दूध पिला सकें, दूध के लिए पैसे नहीं थे उनके पास, और वो प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर आप हो, सच्चे हो, तो आप ही किसी फरिश्ते को भेज दो, किसी एंजल को भेज दो जो मेरे बच्चे के लिए दूध का प्रबंध करे। और ये लड़का आ गया तो वो बोलने लगे आप ही वो एंजल हैं, आप ही वो फरिश्ते हैं जिसे परमेश्वर ने मेरे लिए भेजा। लड़के की आंखों से आंसू गिरने लगे। कई बार हम जब परमेश्वर की आवाज़ को और बातचीत को सोचते बहुत हल्के में लेते हैं और बेवकूफ़ी की बात समझते हैं, अपनी इमेजिनेशन समझते हैं। हो सकता है आप और मैं होते, हमारे भी मन में ख्याल आता तो हम कहते हैं क्यों मैं यहाँ गाड़ी रोकूं, क्यों मैं दूध लूं, ए क्या बात है, छोड़ो छुट्टी करो चलो आगे चलते हैं। हम ऐसा सोच सकते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन जब हम, वचन कहता है स्मॉल स्टिल वॉइस में प्रभु बात करता है, और जब उसके लिए कान खोलते हैं तो ऐसा ऐसा काम होने लगता है। तो दूसरी बात, जब हम आत्मा की गवाही से, आत्मा हमें बताती है, पहली कलाम बताता है, दूसरा आत्मा बताता है, तीसरा प्रभु के अभिषिक्त दास भी बताते हैं। बहुत ही कम अभिषिक्त हैं इस समय में, बहुत कम। ढोंगियों की बात नहीं कर रहे, उनकी बात नहीं कर रहे जो ज़बरदस्ती धक्का देते हैं। बहुत ही बुरा अनुभव मेरा भी रहा शुरू में मिनिस्ट्री से जुड़े लोगों का, लेकिन कुछ अच्छे सच्चे प्रभु के भक्त हैं आज भी, उनकी बात नहीं कर रहे जो झूठ मूठ के चमत्कारों की, झूठ मूठ के भविष्यवाणियों की और बिजनेस बनाने की बात कर रहे हैं और कुछ खरीदने और बेचने की बात कर रहे हैं,
आप जा रहे हो वो प्रेस मार के आपको धक्का दे रहे हो, गिर जाओ। आत्मा के अभिषेक से आदमी खुद गिर जाएगा, प्रवाह होगा तो, लेकिन आप प्रेस करके गिरा रहे हो तो दिस इज अ डिफरेंट थिंग। तो हम बिल्कुल केयरफुल रहें कि किन के पास हम जा रहे हैं, किन भविष्यवक्ताओं के पास जाए। तो दूसरी बात है, जब अभिषेक लोग भविष्यवाणी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, आज भी आपने देखा होगा, यस बात करते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, बात करते हैं, बहुत सारे लोग तो दूर से ही, बहुत अनजान लोग भी आपने देखा होगा प्रार्थना सभा में। सच है, वास्तविक बात है, कोई कहानी नहीं होता है ऐसा कि बहुत सारे लोगों को प्रभु दान देता है और हम किसी के भी विषय में कुछ भी बात प्रभु बताता है और हम करते हैं, वो भविष्यवाणी होती है। तो कई बार परमेश्वर कलाम से बात करता है, कई बार पवित्र आत्मा स्वयं बात करती है और कई बार किसी अभिषिक्त दास के जरिए भी बात करता है हमसे। अगली बात है विजन्स के द्वारा। विजन और ड्रीम दो अलग अलग चीज़ है, और तीसरी एक और चीज़ है, तीसरा अनुभव, मैं तीनों बताऊंगी तीनों में क्या फ़र्क है। विजन्स में जब परमेश्वर बात करता है दर्शन के वरदान में, दर्शन के वरदान में, और कह रहे हैं अंत के दिनों में बहुतायत से युवा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियाँ करेंगे, और मैं अपना आत्मा बहुतायत से उठी लूँगा, युवा दर्शन देखेंगे, आप और हम और हमारे आने वाली नई पीढ़ियों के लिए वायदा है कि हम दर्शन देखेंगे और उसका आत्मा हम बहुतायत से उड़े लेगा हमारे ऊपर प्रभु। तो विजन्स की मैं बात बता रही हूँ, विजन्स ये है जब आप जीते जागते सही स्थिति में, लेकिन आसमानी चीज़ कोई प्रभु का दर्शन आपको दिख सकता है। और जो नहीं जानते, मैं बार बार बोल रही हूँ, उनके लिए बेवकूफ़ी की बात है। तो ये विजन के वरदान की बात हमें देखते हैं बाइबल में थी, यूसुफ को, यूसुफ की जब कहानी पढ़े तो उसको दर्शन का वरदान था, और वो बेचारा बच्चा था, एक्साइटेड होके अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को बताता था वो कि मुझे ये दर्शन मिला, ये दर्शन मिला, और सारे भाई उससे ईर्ष्या करने लगे और कहने लगे बहुत सपने देखने वाला आ रहा है, दर्शन देखने वाला आ रहा है। ये सच है, अगर आपको प्रभु कोई दर्शन देता है तो उसको प्रभु वो भी देता है, हमें किस में बोलना है किस में नहीं। और मुझे ये बात पता है कि मुझे मेरे एक पास्टर ने इस बात को गाइड किया था कि जब परमेश्वर बहुत ही स्पिरिचुअल कुछ आपको दर्शन दे रहा है तो वो हर किसी को हम नहीं बता सकते, जहाँ प्रभु कहे वहीं हमें बोलना है। प्रभु उसके साथ एक बात भी बताते हैं, कुछ दर्शन हम उसी वक्त बता सकते हैं, कुछ प्रोफेसी वक्त के लिए प्रभु कहता है नहीं बतानी, और कुछ वो सिर्फ आपको दिखाता है। लेकिन ये यूसुफ जो था, बच्चा था, और हम बाइबल में पढ़े सैमुअल को भी था उस समय कम लोगों को था, तो यूसुफ को भी था, लेकिन उसको डहा की वजह से कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ा। हो सकता है आज आपने और मैंने भी दर्शन देखे हो और वो उस समय पूरे नहीं हो रहे, बल्कि हम कहने लगते हैं ये दर्शन दिया था परमेश्वर, आप ये दिया था, इससे तो अच्छा नहीं देते, ऐसे यूसुफ ने नहीं कहा। उसको परमेश्वर के साक्षात दर्शन होते थे, सिंबल्स के द्वारा होते थे, वो बता देता था मैंने ऐसा देखा वैसा देखा, लेकिन उसके भाइयों को ईर्ष्या हुई और उन्होंने उसके गड्ढे में फेंक दिया, वो परिवार से अलग हो गया, परिवार छूट गया उसका, जेल खाने में चला गया, बंदी गृह में चला गया, दूसरे अनजान देश में, माँ बाप भाई बहन नहीं। सोचो आपको स्थिति, क्या यूसुफ ने कहा होगा, क्या क्या सोचा होगा, ये वो कब दर्शन की बात पूरी होगी, प्रभु ने तो ये दिखाया था कि सब मेरे आगे दंडवत कर रहे हैं, मैं ऊँची मुकाम पर हूँ, लेकिन यहाँ तो मैं जेल में पड़ा हुआ हूँ, मेरे माँ बाप भाई बहन छूट गए मेरे से, मैं दास बन गया, बेच दिया मुझे दास बना के, ये है दर्शन का फल। तो अगर परमेश्वर ने आपको और मुझे भी दर्शन के वरदान दिए, लेकिन हम इंसान हैं, जब हम पे शैतान के वार होते हैं, बीमारी होती है, परेशानी होती है, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं कि कब होगा वो दर्शन पूरा, कब होगा वो दर्शन पूरा, और हम सोचने लगते हैं कि शायद ये मेरा दर्शन नहीं था, ये शायद मेरी इमेजिनेशन थी। लेकिन जब ऐसा होता है तो परमेश्वर उसको कंफर्म करता है, बार 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 कंफर्म करता है। हम यहाँ देखे थे जब समझ में नहीं आया था दानियल को, अपनी बात समझ में नहीं आई थी दर्शनों की बात, तो स्वर्गदूत आके उसको समझाया था। ऐसे ही यूसुफ ने बहुत परेशानियों का तो सामना किया, बहुत बहुत बहुत, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में उसने चरित्र गंदा नहीं किया कभी भी, मौका मिलने के बावजूद। आप जानते हैं व्यभिचार का मौका मिलने के बावजूद यूसुफ, वो आप कैसे आ रहा है उसको निमंत्रण व्यभिचार करने के लिए, स्त्री राजी है,
लेकिन यूसुफ पुरुष है, पर कंट्रोल आप देखो उसका। परमेश्वर के सामने मैं अपना चरित्र कैसे गंदा करूं, उसने कहा, और उसने पाप नहीं किया। और एक वक्त पे हम देखते हैं किस प्रकार स्थितियां बदली, और वो दास जो बन के गया था लड़का, वो वहाँ सबसे ऊंचा अधिकारी हो गया, सबसे ऊंचा अधिकारी, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन झूठा नहीं होता, उसमें समय लग सकता है, उसमें परेशानियां हो सकती हैं, उसमें आप स्ट्रगल से निकल सकते हैं, वो भी परमेश्वर की योजना है। अगर वो वहाँ बेचा नहीं जाता, भाई उससे चिढ़ते नहीं जाता, तो वहीं रहता जिंदगी भर, छोटा सा कुछ काम करता रहता, गाय बैल बकरियाँ जो चराता था वही करता रहता। वो भी ऐसे ही प्रभु ने आपको मुझे चुना, दर्शन दिया, बोला, बातचीत की। वो क्यों दिया कि वो छोटे से स्थान से निकाल के बहुत बड़े मंच पे आपको रखने जा रहा है, आपको इस्तेमाल करने जा रहा है, आपके जीवन में काम करने जा रहा है, जो थोड़े समय तो यातना की बात लग सकती है, थोड़े समय तो दुख की बात लग सकती है, लेकिन बाद में आप क्या कहेंगे, जैसे दाऊद और वचन और जबूर में लिखा है, मेरे लिए जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ। पिता उस पुत्र को जिसे अधिक प्रेम करता है ताड़ना भी देता है, छड़ी भी लगाता है, कोड़े भी लगाता है, ताकि हम परीक्षा की घड़ी में सोने की तरह तपके परख के निकले बाहर, प्योर होके निकले, कष्ट में से निकले। तो अगर वो दर्शन जो प्रभु ने आपको दिया है, आपने सुना है या देखा है, या किसी भविष्यवक्ता ने बोला है, या कलाम ने आपको बोला है, या स्वप्न में आपने देखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा नहीं हो रहा, तो वो झूठ था। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो बोले और वो झूठ बोले और मुकर जाए। उसका वायदा करना इंसान का वायदा करना नहीं है, वो परमेश्वर का वायदा है, जिसके लिए आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन टल नहीं सकता। आज बहुत सारे लोग हंसी उड़ाते होंगे आपकी और मेरी, बहुत प्रभु प्रभु करते हो, क्या दिया परमेश्वर ने तुम्हें, क्या दिया? और प्रभु का वचन कहता है कि जो उसकी ओर देखते उन्हें लज्जित नहीं होने देता, उचित समय पर, उसके वक्त पर, आपकी सोच से परे, आपकी इमेजिनेशन से परे परमेश्वर आपको देने जा रहा है। और उससे अगली बात है ड्रीम्स की, ये तो मैंने विजन्स की बात बताई, इससे अगली बात है ड्रीम्स की, जब सपनों में प्रभु बातचीत करता है। काफ़ी मिलती जुलती बात है, थोड़ा सा अंतर, एक में आप जीती जागती स्थिति में भी दर्शन पा लेते हैं, और दूसरी में सोने की स्थिति में प्रभु स्वप्न में भी बातचीत करता है। तीसरी बात है इसी ड्रीम्स की बात में ही, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी अलग अलग तरीके हैं, और कई बार आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, ऐसा भी दर्शन देता है कि हमें कहीं से उठा के कहीं और की चीज़ प्रभु दिखाने लगता है, दर्शन में नहीं, वास्तव में, आत्मा में। जैसे हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, जो कहता है ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित, लेकिन मैं उठा लिया गया और मैंने ये सब देखा, वो उस समय की बात थी, आज भी है और हमेशा रहेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी नहीं बदलता, उसकी सामर्थ्य भी नहीं बदलती। और मेरे साथ ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ मेरे पास हैं, जो जिनके मैंने गवाहियाँ प्रस्तुत की हैं, मैं आपको मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगी उनके विषय में, कि इनको भी स्वर्गीय प्रभु दर्शन, एक को नहीं कितनों को, व्यक्तिगत रीति से मैं जानती हूँ कितनों को। एक स्त्री थी, उन्हें भी मैं व्यक्तिगत रीति से जानती हूँ, जो मसीह से नफरत करती थी, और वो कहते थे बाइबिल झूठी कहानी, सब यीशु मसीह सब झूठ, पाखंड, सब बेकार है, बोलती थी हर समय। और एक बार उन्हें परमेश्वर की आराधना में बैठना का मौका मिल गया, वो बैठना नहीं चाह रही थी, लेकिन सब लोग थे और वो भी स्टाफ में थे, उनको बैठना पड़ गया। उस वक्त जब आराधना शुरू हुई, उनको हुआ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, और वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस वक्त, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि प्रकाशित वाक्य भी कंफर्म कर रहा है इस बात को कि आप कहाँ हो, आपको खुद नहीं पता। तो जैसे पतरस को हम देखते हैं, पतरस को भी प्रभु दिखा रहा था कि तो ये चादर खुली हुई दिख रही है, क्या क्या चीज़ें दिख रही है, और पता चल रहा है ये दो लोग हैं, ये आएंगे, ये बोलेंगे, ये करेंगे, सब कुछ प्रभु उसको बता रहा था कहाँ से कहाँ ले जाकर। ऐसे ही परमेश्वर कई बार आपको, आप वहीं हों, कहाँ की फ्यूचर की बात भी दिखा सकता है, पास्ट की बात भी दिखा सकता है, और उसको किसी और जगह की बात भी दिखा सकता है, भविष्यवाणी का वरदान जो प्रभु ने रखा है आपके और मेरे लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। अंत के दिनों में आत्मा वो बहुत आयत से उंडेलने जा रहा है आपके और मेरे लिए, इतना आत्मा का अभिषेक कि आप यहाँ बैठे और आपको वो स्वर्गीय दर्शन भी दिखाएगा। वो बार बार वचन हमें कहता है,
मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दे दूंगा, चाबियां, स्वर्गीय चाबियां। चाबी का मतलब क्या है? स्वर्गीय, स्वर्ग की चीज़ दिखाने लगता है प्रभु आपको। जो नहीं समझते वो सोचते हैं मूर्खता की बात। बाइबिल बार बार कह रही है कि क्रूस की कथा उनके लिए मूर्खता की बातें हैं। तो बन जाए मूर्ख, बन जाए बहरे, बन जाए ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि प्रभु की सच्चाई आपने, मैंने अपनी आंखों से देख ली, अपने कानों से सुन ली। तो कौन हमें उस प्रेम से अलग कर सकता है, और कौन हम गवाहियों को झूठा बोल सकता है जब हम व्यक्तिगत रीति से उस बात को अनुभव कर लेते हैं। अगली बात है एंजल्स की बात, फरिश्तों की, स्वर्गदूतों की बात। ये बात, ये वाला तरीका जो है इस समय बहुत थोड़ा कम दिखाई देता है। दर्शनों की बात ज़्यादा है, आत्मा की बात ज़्यादा है, अभिषेक की बात ज़्यादा है, ये वाली बात थोड़ी कम है, लेकिन है, ये भी है। जब हम वचन में देखते हैं तो देखते थे कि स्वर्गदूत बात करने आ जाता था, वैसे फरिश्ते वाला रूप रंग, वो जैसे हम सोचते हैं किस प्रकार आया, हम ड्रामे में ऐसा सोचते हैं, हकीकत में कैसा आया था, वहाँ तो नहीं, उसमें रूप रंग नहीं लिखा कि किस प्रकार का फरिश्ता उन्हें दिखाता, मगर प्रकाशित था बहुत, इस प्रकार से लिखा था, बहुत प्रकाश था। लेकिन अब की बात जो एंजल्स की बात मैं कह रही हूँ, और हम सोचते हैं कि अब नहीं आता, अब व्यक्तिगत रीति से हमने देखा नहीं, प्रभु ने स्वर्गदूत भेजा हो, लेकिन मेरे पास ये भी बहुत सारी गवाही आज भी है, आज भी। इनमें मैं एक पास्टर को जानती हूँ, ये बहुत बुजुर्ग पास्टर थे, उनकी वाइफ और वो बहुत बुजुर्ग थे, पूरी सेवकाई में थे, और वो समझिए आप पूरा तन मन झोंक रखा था प्रभु की सेवकाई में, लेकिन वो कमाई नहीं करते थे, उनकी सेवकाई उनके लिए बिजनेस नहीं थी, अपना पूरा जॉब करते थे, वो कमाई थी, सेवकाई वो अपनी तरफ से करते थे। एक बार उनके पास ऐसी परेशानी आई कि उनकी वाइफ बहुत सीरियस बीमार हो गई, बहुत सीरियस, और उनके पास पूरे पैसे नहीं थे, और वो बार बार ढूंढ रहे थे कहीं कोई हो, नहीं थे, लेकिन वो किसी से मांग नहीं सकते थे, मांगना नहीं चाहते थे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। उनकी पत्नी बीमार थी, जब उनके पास पैसे पूरे नहीं हो रहे थे, और उन्होंने सोचा मैं थोड़ा बहुत जितना है ये जाके देता हूँ रिसेप्शनिस्ट को, और बोलूँगा कि अभी इतने ही रखो, मैं फिर थोड़ा और इंतज़ाम करूँगा। जब वो वहाँ गए तो वो देखते हैं कि उनका पेड इन फुल हो चुका है, पूरा दाम चुका चुका, किसने चुकाया, कैसे चुकाया, वो उनको आज तक भी नहीं पता, ना ही उनके स्टाफ में पता, लेकिन उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति आया जिसने उनका पूरा दाम चुका दिया, सचमुच में कैश दे के। वो ऐसा सुपरनेचुरल नहीं जैसे हम ड्रामे में बना देते हैं कि वो फरिश्ता बन के आ गया, चमकीला सितारा लगा के ये सब बन के आ गया, नहीं, वाकई में एंजल इस प्रकार भी मदद करते हैं, और वो आज भी भेजता है परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को अलग अलग तरीके से हमें बचाने के लिए। समय की कमी को देखते मैं बहुत सारी गवाहियाँ नहीं, गवाहियाँ मेरे पास बहुत सारी हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा है कि मुझे गवाहियों के लिए पैशन भी बहुत ज़्यादा है, प्रभु ने ऐसा दिया भी है कि हम सचमुच में बताएं अपनी गवाहियों से कि ये किताब की बात नहीं है, हिस्ट्री की बात नहीं है, थियोलॉजी की बात नहीं है, ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई बात है, जो तब थी आज भी होती है मेरे आपके साथ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितने लोगों के साथ यीशु मसीह बात करते हैं, अलग अलग प्रकार से हम उन्हें देख सकते हैं, हम उनको सुन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, जितने लोग जुड़े हैं, श्रुति, डेविड, मोनिका सिस्टर, संतोष वेदा, सबको प्रभु आशीष दे। तो इतनी गहरी बातें परमेश्वर हमें बताता है। अगली बात है गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, आत्मा के वरदान भी हमें बताते हैं बहुत सारी अनोखी बातें, जो दुनिया के लिए बेवकूफ़ी की बातें हैं, मूर्खता की बातें हैं। अभी भी मेरे पास इतने सारे मेल्स आते हैं जो आपको वो अपने उलझाना चाहते हैं सवालों में और जवाबों में, और वो सोचते हैं कि ये बात हमने मान ली तो वो भी बात हम मान देंगे, जबकि परमेश्वर का प्रेम कैसा है, उसकी सच्चाई कैसी है, कि जब आप चख लिए सच्चाई क्या है तो कौन आपको भ्रमित कर सकता है, कैसे भ्रमित कर सकता है। और प्रभु का वचन कहता है कि आनंदित हो तब तुम जब परमेश्वर के नाम से तुम सताए जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। मूर्ख बनते हैं, बेवकूफ़ी बनते हैं, गाली खाते हैं, निंदित होते हैं, अपमानित होते हैं, तो हमारे लिए प्रभु कह रहा है आनंद की बात है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है आपकी और मेरे लिए। तो बन जाएं बेवकूफ, सुन लें कि हम बेवकूफ हैं, लेकिन वो आत्मिक खजाने
इतने बड़े बड़े आत्मिक खजाने जो सबको मूर्खता की बातें लग रही हैं, क्या क्या वरदान परमेश्वर ने दिए हैं जिसे कोई खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता, चुरा नहीं सकता, हासिल नहीं कर सकता। पूरी संपत्ति ले आए अपने, सब कुछ ले आए अपने, तो भी नहीं खरीद सकते। वो प्रभु आपको मुझे फ्री में दे रहा है, मुफ्त में सबके लिए। बात करने वाला परमेश्वर, पास रहने वाला परमेश्वर, दिल के नज़दीक रहने वाला परमेश्वर, नज़दीक का परमेश्वर है, दूर का नहीं है। आप उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं। और आज इस सेशन के बाद हम प्रार्थना करेंगे कि जितने लोगों ने ये नहीं कभी अनुभव की, बहुत सारे लोग हैं, हम कहते हैं बाइबिल हम पढ़ते हैं, चर्च हम जाते हैं, इतने घंटे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इतने दिन उपवास रखते हैं, कितने भी दिन रखते हैं, क्या परमेश्वर ने आपसे बात की, क्या आपने देखा उसको, क्या आपने उसके आत्मा का अनुभव किया, क्या ये स्पिरिचुअल जो गिफ्ट्स हैं वो मिले हैं आपको कि नहीं मिले हैं, क्या आपने कहीं प्रार्थना की चंगाई हुई कि नहीं हुई, या आप अपने कंफर्ट जोन वाले मसीही लोग हैं, अपने रजाई से जो बाहर नहीं निकलते, अपने एसी से जो बाहर नहीं निकलते। अगर वो मसीही हम लोग हैं अपनी सीमा तक, अब प्रभु क्या कह रहे हैं, तुम दुनिया का नूर हो, तुम दुनिया का नमक हो। काहे के नमक हैं हम जब स्वादी नहीं फैला रहे, अपने कमरे में रखे हुए नमक हैं हम फिर, या रोशनी भी वही, वो वचन बार बार कह रहा है चिराग को कहाँ रखते हैं ऊँचे ताकि सबको रोशनी मिले। तो अगर आपको प्रभु ने दिया वरदान, कोई भी आत्मिक वरदान, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो अदर टंग्स हो, चाहे दूसरे के लिए प्रार्थना करने का है, आत्मा के बहुत सारे वरदान हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। वो वचन, वो वरदान जब आप यूज़ ही नहीं करोगे, आप अपने एसी के कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, अपनी बाइबल सिर्फ अपने तक सीमित आप रखोगे, तो वो प्रभु का दर्शन कैसे पूरा होगा आपके जीवन में। उसकी आवाज़ जो है, उसका वायदा जो है, वो किसी एक बंदे के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सुनते बहुत लोगों को कि मेरे को कॉलिंग हुई, मुझे कॉलिंग हुई, मुझे कॉलिंग हुई। परमेश्वर की कॉलिंग तो सब के लिए है, सब के लिए, एक एक के लिए आज्ञा है उसकी। अंत के दिनों में बहुत आयत से देगा वो, लेने के लिए तो इच्छुक हों, लेने के लिए तो हम तैयार हों, आवाज़ सुनने के लिए कान तो खोलें। बार बार बोल रहा है परमेश्वर, तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूँ, खटखटा रहा हूँ। आपको सुनाई नहीं दे रहा, क्यों नहीं सुनाई दे रहा? उधर से दूसरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं, उनकी सुनाई दे रही, पहले ये बात की बात है सेकेंडरी, उसके बाद मेरा ऑफिस, उसके बाद मेरा फिल्म, उसके बाद मेरा मनोरंजन, उसके बाद मेरा घर, सारी हमारे पास लिस्ट है काम की। और वो आवाज़ जो दरवाजे पे खटखटा रहा है सुनाई नहीं दे रही हमें आवाज़। और फिर हम कहते हैं परमेश्वर बोलता नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं गप है, झूठ है, नहीं है, परमेश्वर नहीं बोलता, गप की बातें मत करो, कोई दर्शन नहीं होता, कोई आवाज़ नहीं आती, कोई सुनाई नहीं देता। क्यों आएगी तुम्हें आवाज़ जब प्रभु खटखटा रहा है और आप खोल ही नहीं रहे, दरवाज़ा आने ही नहीं दे रहे परमेश्वर को, तो आवाज़ भी कहाँ से आएगी जब परमेश्वर ही नहीं आया। तो आज अपने दिलों के दरवाज़ों को खोलें। आठ पॉइंट्स मैंने बताए थे, नवा पॉइंट है जब हमें वो एक स्पिरिचुअल माइंड देता है, यानी आत्मिक दिमाग भी खोल देता है, बुद्धिमान बना देता है। आपने देखा और सोचा होगा, कई बार हम सोचते हैं छोटी उम्र का बच्चा ज़्यादा बुद्धिमानी की बातें क्यों बोल रहा है और बड़ा बेवकूफ़ी की बात क्यों बोल रहा है कई बार। और वचन क्या कहता है, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का प्रारंभ है, बुद्धि शुरू ही वहीं से हो रही है। वचन कह रहा है, नीति वचन, बुद्धि का प्रारंभ परमेश्वर का भय मानना, यानी जिसने भय नहीं माना उसकी बुद्धि प्रारंभ ही नहीं हुई, वो तो इसका मतलब है कि वो महामूर्खी है फिर, जिसने इतनी बड़ी बुद्धिमानी की बात, स्वर्गीय राज्य की बात, आत्मिक आशीषों की बात खो दी और अपने लॉजिक और तर्क हम लगाने लगे। सबसे पहली बात मैंने यही बताई थी कि जो ये वचन में गहरी बातचीत है, आत्मिक वरदानों की बात है, वो हमारे लॉजिक से परे की बात है। बार बार प्रभु का वचन कहता है मनुष्य की समझ से बाहर है, कलाम आत्मा की तलवार है, इसको लिखा गया आत्मा की प्रेरणा से है। बाइबल आत्मा की तलवार है, उसको लिखने के लिए आत्मा ज़रूरी है, तो उसको समझने के लिए भी आत्मा ज़रूरी है, उस पर चलने के लिए भी आत्मा ज़रूरी है, स्वर्ग की कुंजी खोलने के लिए भी आत्मा ज़रूरी है। आत्मा नहीं तो निर्जीव है, ऐसे ही विश्वासी के पास पवित्र आत्मा नहीं तो वो नाम मात्र का विश्वासी है, मुर्दा विश्वासी है। तो उसकी आत्मा नहीं मिली तो ग्रहण करें, उसकी आवाज़ नहीं सुनी
तो कोशिश करें, प्रार्थना करें, आज ही प्रभु आपसे बात करेगा, क्योंकि परमेश्वर बहुत नज़दीक का, प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है, दूर का नहीं, नज़दीक का परमेश्वर है। और दसवीं बात है, प्रार्थना में भी प्रभु बात करता है। प्रार्थना में बहुत तरीके से परमेश्वर बात करता है, इतने तरीके से बात करता है कि मैं समय की कमी से अभी उतना नहीं बता पाऊँगी, लेकिन प्रार्थना में प्रभु बहुत बात करता है, बहुत बात करता है। आप प्रार्थना कर रहे किसी विषय पर यहाँ बैठ के, और प्रार्थना सुनी जा रही है कहाँ, दूसरे देश विदेश, सात लोग के पाल, सात देशों के परे वाली प्रार्थना सुन ली गई, या वहाँ का दर्शन आपको मिल गया। आपके लॉजिक से परे बात है, आपकी बुद्धि से परे बात है। और जो लोग कह रहे हैं हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, गप है, झूठ है, लेकिन आपने तो देखा है ना, आपने आपकी आत्मिक आँखें खुली और आपने देखा है। वचन बार बार कह रहा है चख के देख लो, परख के देख लो, आओ चख के देख लो, नहीं यकीन आ रहा है तो चख के देख लो। जब तक चखोगे नहीं तो कैसे मान लोगे कि कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। तो प्रार्थना में भी परमेश्वर बात करता है जब आप प्रार्थना करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो प्रार्थना में उसी वक्त बात करे जब आप सारे काम धंधे छोड़ के 10 घंटे तक बैठ के प्रार्थना करो तभी बात करेगा, नहीं, 1 सेकंड में भी बात कर सकता है परमेश्वर। अगर आप बर्तन भांडे धोने वाले हैं तब भी बात कर सकता है, अगर आप लाइन में खड़े हुए हैं बैंक की तब भी बात कर सकता है परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर बहुत नज़दीक और प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है, जैसे माता संभालती है वैसे संभालने वाला। माता संभालने का क्या मतलब है, जो माएँ हैं वो जानती हैं हम अपने बच्चे के कितने कनेक्टेड रहते हैं, चाहे वो कहीं भी रहे, कितनी भी उम्र का हो जाए, माँ कैसे रहती है, हमेशा ख्याल उसका, मेरा बच्चा कैसा है, क्या है, खाया है नहीं खाया है, भूखा तो नहीं है, बीमार तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं, दुनिया भर की चिंता करती है और बच्चा पुकारता नहीं। माँ जान जाती है कब मेरे बच्चे को दूध चाहिए, कब मेरा बच्चा भूखा है, कब मेरे बच्चे को पॉटी सुस्तू की बात है, कब उसका डाइपर मुझे चेंज करना है, वो खुद जान जाती है। तो हम इंसान हैं तो जान जाते हैं, और वो हमारा स्वर्गीय पिता बनाने वाला, गर्भ में रचे जाने से पहले नाम को जानने वाला परमेश्वर है। जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, सुनीता, सोनिया, श्रीति, अंजलि, हमें नाम से जानता है परमेश्वर, हमारे नाम बेशकीमती है उसके लिए। प्रिय पुत्र और पुत्री बना रखा है जिसने हमें, अपना प्रिय पुत्र और पुत्री, जो कहता है मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, आज मेरे लिए दरवाज़ा खोलोगे तो मैं अंदर आऊँगा और मैं तुम्हारे साथ भोजन करूँगा, मतलब संगति करेगा, फेलोशिप। ये नहीं है कि वो दावत उड़ाने के लिए आ रखा है, जैसे आज बहुत सारी प्रेयर मीटिंग में सिर्फ दावत के लिए मीटिंग रख देते हैं और आत्मा होती नहीं वहाँ। आत्मा नदारत है, वर्शिप नदारत है, वचन नदारत है, दावत है, बहुत सारे व्यंजन हैं, सब कुछ है, सिर्फ यीशु मसीह नहीं है, सिर्फ आत्मा नहीं है, बाकी सब है। क्योंकि आपने दरवाज़ा ही नहीं खोला उसके लिए, अपने दिल का पहले से मुझसे क्या चाहता है कि बंद दरवाजों को खोल लें, बंद कानों को खोल लें। जो लोग नहीं करता, ये झूठ है, ये गलत टॉपिक है, मैं उनसे कहना चाहूंगी चख के देखो, परख के देखो, कान खोल के देखो, क्योंकि मैंने देखा है और मैंने चखा है और मैंने सुना है, इसलिए मुझे सारी दुनिया भी आके कह दे कि वो नहीं बोलता, मैं नहीं मान सकती, क्योंकि मुझसे प्रभु ने बात किया है, एक बार नहीं बार बार, और मैंने जाना है चक्के कि प्रभु बहुत नज़दीक का परमेश्वर है, बहुत प्यार से भरा परमेश्वर है। माँ छोड़ सकती है लेकिन वो कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु आज इस वचन से आशीष दे। आखिरी में हम जाएंगे प्रार्थना में जाएंगे। एक बार मैं फिर से अपने इन टॉपिक्स को बताते हुए जाऊँगी, परमेश्वर आज भी बात करता है, कैसे हम जाने, बहुत सारे तरीके से बात करता है। बाइबल के पुराने ज़माने में हमने सब देखा है, वो सब सुना है कि वो कह रहा है सैमुएल के समय में कम दर्शन होता था, उन दिनों दुर्लभ था, लेकिन आज बहुत आयत से आत्मा उंडेलूँगा, वायदा है उसका कि उसके युवा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियाँ का वरदान देगा प्रभु आपको भी, दूसरे प्रॉफिट्स के पीछे निगाह नहीं लगाए, वो वरदान प्रभु आपको भी देगा, आपको भी देगा। वो प्रोफेसी का वरदान आप चाहते हैं, चंगाई का वरदान आप चाहते हैं, दर्शन का वरदान आप चाहते हैं, जो भी, क्योंकि वो कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना चाहते हो, मैं अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा, क्यों नहीं,
जिसका प्यार बेशकीमती है, आपके लिए ही तो रखे हैं वो तोहफे, हमारे लिए ही तो रखे हैं। मनुष्य से तो बेइंतहा प्यार था मसीह को, जिसके लिए जान भी दे दी, वो ही हमें नहीं देगा तो वो किसके लिए रखे हैं वो तोहफे उसने। आप पता है बहुत सारे लोग गवाही में बताते हैं कि वो स्वर्ग में एक जगह देखते हैं अनक्लेम्ड ब्लेसिंग्स, एक जगह अनक्लेम्ड ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग तो थी, आपने क्लेम ही नहीं की, मांगी ही नहीं। अनक्लेम्ड ब्लेसिंग्स को क्लेम कर लें आज, आज भी वक्त है, आज भी वक्त है कि हम उसकी आवाज़ को सुन लें, उसे ग्रहण कर लें। और दूसरों को बेवकूफ़ी जो समझते हैं उनसे कहो भाई कि चख के देखो, मैंने तो देखा है इसलिए मैं कैसे मान लूँ, मेरे मुंह में रसगुल्ला है, मीठा है, तुम कहो कड़वा है, फेंक दो, थूक दो, नमकीन है, तो मैं कैसे मानूँ, क्योंकि मेरे मुंह में तो स्वाद मीठा आ रहा है, रसीला आ रहा है। तो जिसने चख लिया उसको कोई ताकत हिला नहीं सकती उसके हाथ से, परमेश्वर के हाथ से आपको कोई छीन नहीं सकता है। तो ये सारी बातें हैं, प्रभु वचन के ज़रिए बात करता है, प्रभु की आत्मा बात करती है, अपने अनॉइंटेड मिनिस्टर्स के ज़रिए बात करता है, विजन्स जो हम जाते जीते हुए देखते हैं जागती स्थिति में, ड्रीम्स जो हम सोते में देखते हैं, और तीसरा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी प्रभु करता है, और तीसरा एंजल्स के ज़रिए, उस तरह के स्वर्गदूत नहीं जो हमारी इमेजिनेशन में, लेकिन प्रभु आज भी मददगार भेजता है, स्वर्गीय सहायता भेजता है। अगला है आत्मा के वरदानों के द्वारा, फिर है हमारी बुद्धि को नया बना देता है, स्पिरिचुअल माइंड, आत्मिक दिमाग खोलता है। आप यहाँ बैठे और आपको स्वर्गीय दर्शन या भविष्यवाणियाँ, इम्पॉसिबल थिंग्स दिखाने वाला परमेश्वर, ना इसके लिए फ्यूचर कुछ है, ना जिसके लिए पास्ट कुछ है, ना दूर कुछ है, ना पास्ट कुछ है। जब आप मांगे प्रभु वो दिखाएगा आपको, आपके आत्मिक आँखें खोल के, आपके कान खोल के। और अगला है प्रार्थना में, तो हम प्रार्थना में जाएंगे आखिरी में। जितने लोग जुड़े हैं प्रभु आप सबको आशीष दे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम सब शेयर करें इस सेशंस को भी, कि जो बातें नहीं पहुंची लोगों तक पहुंचे, सच्चाई पहुंचे परमेश्वर की, कि आज भी प्रभु बात करता है सबसे, किसी एक बड़े प्रचारक से नहीं, छोटे से बड़े से बड़े से, चाहे बदसूरत हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे निर्धन हो, चाहे जो क्यों ना हो, प्रभु का प्यार सबके लिए, उसकी आवाज़ सबके लिए, उसके वरदान सबके लिए। प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए, स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी मोहब्बत इतनी बड़ी है, तेरा प्यार इतना बड़ा है परमेश्वर, जिसे हम बयान नहीं कर सकते, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और हम यही कहते हैं कि चख के देखो, परख के देखो, प्रभु का प्यार कितना बड़ा है, कितना बड़ा प्यार है परमेश्वर का, कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम जैसे अयोग्य लोगों से बात करता है। आत्मिक आँखों को खोल दे प्रभु कि हम तुझे देख सकें, आत्मिक कानों को खोल दे सुन सकें, और जितने लोग ये सेशन देखें जो चाहते हैं कि प्रभु वो भी पाएं वो वरदान, आमने सामने बातचीत का, जीवित परमेश्वर को सचमुच देखें, जाने, बात करें, इंसान की तरह नहीं उससे भी बढ़कर स्वर्गीय पिता की तरह, तू तो बात करने वाला प्रत्यक्ष जीवित परमेश्वर है प्रभु। आज प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज प्रार्थना में जाएंगे प्रभु जी, हर एक को अपने आत्मा से भरिए, हर एक को प्रभु वो वरदान दे जो आपने कहा है, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा बहुतायत से उढ़ेलूँगा, युवा दर्शन देखेंगे। चुन लीजिए प्रभु इन सबको, दर्शनों के वरदान, आत्मा के वरदान, और बड़े बड़े वरदान, स्वर्गीय कुंजियाँ जो आपने रख के छोड़ी हैं प्रभु, जिन्हें हम बयान नहीं कर सकते परमेश्वर, जो बयान से बाहर हैं, मनुष्य की समझ से बाहर हैं। हम चाहते प्रभु जो हमने चखे देखा वो वहाँ तक भी पहुँच जाए स्वाद जिन्होंने नहीं चखा, क्योंकि तो कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी की नूर हो, तो वो नूर और नमक सब तक पहुँच जाए प्रभु, कि आपकी उस स्वाद को चख सके, क्योंकि यीशु मसीह का प्यार सबके लिए है, बेइंतहा है, हर किसी के लिए है, मुफ्त में है प्रभु। तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी इन सारे आशीषों के लिए, ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सबका जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच सोनिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में एक नए विषय के साथ जो प्रभु हमारे दिलों में डालेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, जय मसीह की।